जहां उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद ही टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन से विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के सेवायतों ने ब्रजेश पाठक को ठाकुर जी का दुपट्टा व प्रसाद भेंट किया। मंदिर में दर्शन के उपरांत ब्रजेश पाठक ने वृंदावन TFC चौराहा स्थित फैसिलिटी सेंटर पर विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा बैठक की और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अखिलेश और राहुल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीति रीति हमेशा दंगाइयों के साथ रही है। प्रदेश के अमन चैन को खराब करने वालों के साथ वे हमेशा खड़े दिखाई दिए। तिरंगा भारत माता और देश के प्रति समर्पण की भावना की कमी हमेशा इन लोगों में रही। सपा की सरकार में तमाम दंगे हुए, इसलिए वे दंगे की बात करते हैं, लेकिन अब सपा के लोगों को तिरंगे को घर घर पहुँचाने के अभियान में मदद करनी चाहिए। उधर राहुल प्रियंका के सड़कों पर उतरने में ब्रजेश पाठक ने तीखा हमला बोला और कहा कि आप जानते हो कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के कार्यालय में अखंड भ्रष्टाचार है। अब यह लोग अपने को बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यह प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। बिहारी जी के दर्शन किए, क्या कहेंगे? आज वृंदावन में बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, पूरे प्रदेश की सुख और शांति वैभव की हमने प्रभु से कामना की। सर अगर बात करें तो अखिलेश यादव तिरंगा को लेकर लगातार हमला हो रहे हैं, उन्होंने कहा आज तक। सर आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की रीति नीति हमेशा दंगाइयों के साथ रही है, प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने वालों के साथ रही है, और तिरंगा और भारत के भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने की भावना की हमेशा इनके अंदर कमी रही है, और जितने दंगे हुए सभी इन्हीं के राज में। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को भारत के इतिहास पर, गौरवशाली इतिहास पर पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए और तिरंगे का पूरी तरह से सम्मान करते हुए हर घर तिरंगा फहराने की योजना में मदद करनी चाहिए। सर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी सड़कों पर उतरे हुए, ईडी का विरोध कर रहे हैं। सर आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, और जिस ढंग से भ्रष्टाचार आकंठ उनके गले तक भर गया है, और एक दिन तो पाप का घड़ा फूटना ही था, और इस प्रकार वो प्रदर्शन करके केवल घड़ियालों को आंसू बहा रहे हैं। प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह जानती है। मथुरा में वार्ड नंबर